please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. और पांच का प्रश्न में बात है जम्मू कश्मीर की एक बहुत बड़ी खबर की। जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को आर्थिक मदद देने के मामले में हिजबुल मुजाहिदीन के मुखिया सैयद सलाउद्दीन के एक और बेटे पर एनआईए ने शिकंजा कस दिया। एनआईए ने सीआरपीएफ और लोकल पुलिस के साथ मिलकर सलाउद्दीन के बेटे सैयद शकील अहमद को श्रीनगर के रामबाग में उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। वहीं बांदीपुरा में सुरक्षा बल ने मुठभेड़ के दौरान दो आतंकियों को भी मार गिराया है। आतंकी और उनके आकाओं पर शिकंजा कसने से आतंकियों की बौखलाहट लगातार बढ़ रही है और वो कायराना तरीके से बेकसूर लोगों को निशाना बना रहे हैं। आतंकियों ने पुलवामा के त्राल में एक पुलिस कर्मी के बेटे को अगवा कर लिया और एक दिन पहले बुधवार को आतंकियों ने चार पुलिस वालों की हत्या भी की थी। वहीं पाकिस्तान भी कश्मीर में नए आतंकियों को पैदा करने के लिए ऑपरेशन साइकिल चला रहा है। पाकिस्तान की नज़र खासतौर पर जेल में बंद नौजवानों पर है जिन्हें वो पैसों का लालच देकर आतंकी बनाने में जुटा हुआ है। चार तस्वीरें चार बड़ी खबरों की। ये कैसे होगा कि सईद सलाउद्दीन यूनाइटेड जहाद काउंसिल के चीफ जो आतंक फैला रहे हैं कश्मीर में और उनका बेटा बड़े शांति से जी रहा है, नौकरी कर रहा है कश्मीर में, तो ये कुछ जचता नहीं है। और दूसरी बात, इतने अरेस्ट के बाद सलाउद्दीन के बेटे को तो पूछताछ के लिए लेना ही था और वो हुआ, देर हुआ और ठीक है। तो इसीलिए पांच का प्रश्न में सवाल ये उठता है कि क्या पाकिस्तान में आतंक की नींव पर अब इमरान खान का राज चल रहा है? यानी सरकार बदल गई, सत्ता बदल गई, पर आदतें नहीं बदली हैं। इसी सवाल के साथ पांच का प्रश्न में वक्त ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरें और भी हैं, तुरंत लौट कर आते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी सीधा हमला कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है कि नोटबंदी जो फेल हुई उसमें प्रधानमंत्री ने आम जनता का पैसा लेकर अपने उद्योगपति मित्रों की मदद की। सुनते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जितने डिफेमेशन सूट लगाने हैं लगाइए, सच्चाई ये है कि 15-20 क्रोनी कैपिटलिस्ट के लिए नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की और अपने मित्रों को मदद करने के लिए उन्होंने राफेल स्कैम किया। हाँ, you will find out soon enough what the intention was. It will come to your notice. The intention was very clear, and let every Indian person understand this. The intention was to help the richest people, the most corrupt people in this land, change their money from black to white. That was the intention. Phir se dohrata hu, note bandi ka intention हिंदुस्तान के 15-20 सबसे बड़े क्रोनी कैपिटलिस्ट को अपने काले धन को सफेद बदलने में मदद, ये था नोटबंदी। और जो हमारे छोटे बिजनेसेस हैं, मिडिल साइज बिजनेसेस हैं, उनको खत्म करके, जो छोटे दुकानदार हैं उनको खत्म करके बड़ी कंपनियों का मदद करने का लक्ष्य है। छोटे दुकानदार, मिडिल साइज बिजनेसेस और स्मॉल साइज बिजनेसेस, आप लोग जो चलाते हो, आप अच्छी तरह सुनो। नोटबंदी कोई गलती नहीं थी, नोटबंदी आपके ऊपर आक्रमण था, नोटबंदी आपके पैर पर कुल्हाड़ी मारी गई थी, गलत।